स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। और खबर बिहार की शुरुआत में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में मौत से हाहाकार मचा है। तीन जिलों में 14 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि इस मसले पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। भागलपुर में 4 लोगों की मौत हुई है और इससे नाराज होकर लोगों ने आज हंगामा किया। तो वहीं बात की जाए बांका की, वहां पर 6 और मधेपुरा में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। बिहार के कई जिलों में मौत का तांडव, जहरीली शराब से मौत की है आशंका, संदिग्ध मौत पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। अपनों का शव कंधे पर उठाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। होली के त्योहार के अगले दिन भागलपुर की गलियों में इसी तरीके से शव यात्रा निकली। कई घरों में हाहाकार मच गया, रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, इलाकों में मातम पसर गया। आरोप है कि जहरीली शराब ने इन सब की जान ले ली। देखे तो दवा लेने के लिए तो दवा लेने के लिए डॉक्टर नहीं गया। डॉक्टर बोलता ले जा मायागंज, मायागंज ले गया, थोड़ा दवा वही लगा, बोतल लटकाया, बस सुइया दिया, खत्म हो गया। प्रशासन भी मानता है कि मौतें तो हुई हैं, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। हाल ये है कि इनके मुंह से तो अवैध शराब का जिक्र तक नहीं निकल रहा है। तो और मैक्सिमम फैमिली मेंबर अभी बॉडी के साथ ही है। एक बार जब पोस्टमार्टम वगैरह हो जाएगा, कुल कितने लोगों की मौत स्पष्ट हो जाएगा? 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी दोनों बॉडी को अस्पताल भेजा गया है। उधर इन मौतों को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर निकल गए, आगजनी की, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आरोप लगाया गया कि मौत का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा है। दारू धड़ल्ले से प्रशासन की मिली भगत से बिक रही है। इसकी सूचना हमने एसएसपी साहब के मोबाइल पर मतलब फोन करके दिया, उन्होंने फोन नहीं उठाए। लेकिन मौत का तांडव सिर्फ भागलपुर में ही नहीं टूटा, बगल के बांका जिले में भी कहर बरपा। अमरपुर इलाके में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की आंखों की रोशनी जाती रही और इसके पीछे जहरीली शराब का हाथ माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन खामोश है। वहीं कोसी बेल्ट के मधेपुरा में भी कई लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सभी के परिजन दावा कर रहे हैं कि मौत के पीछे की वजह शराब है। उन लोगों का इलाज प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां से करके तो वापस सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए। मौत का तांडव मचा तो सियासत भी शुरू हो गई। भागलपुर के स्थानीय विधायक ने सरकार को घेर लिया और दावा किया कि मौत का यह आंकड़ा ज्यादा है, अभी तो सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने भी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए। उनके प्रशासन के पदाधिकारी मिली भगत से शराब आता, शराब में नकली शराब। आप, मैं तो परसों भी यहाँ मौतें हुई हैं और आपको बताया पूरे बिहार से सूचना आ रही है, गोपालगंज हो, मधेपुरा हो, वहां मौतें हो रही है, कल भी हुई है। अब पुलिस जो है परिजनों को ही धमका करके जो है बयान उल्टा लिखवा लेता है कि भाई नहीं, शराब से मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह के केस हम लोगों ने देखे हैं, तो इसके लिए तो कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या इन मौतों की असली वजह सामने आएगी या फिर कागजों की फाइल कहीं धूल फांकती नजर आएगी। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।